जी एक बार उठा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई, हाँ कंधे पे। तो आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी रखे, थोड़ा सा भी इंजरी आ जाए ना तो बाद में बहुत बड़ा बन सकता है वो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था रनिंग, जो हमारा 1 किलोमीटर रनिंग है वो दिखाया था। कई कई लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि मैंने 1 किलोमीटर दौड़ा है। तो वो 350 मीटर का फील्ड है, वो फुटबॉल फील्ड है। अगर मैं कितना भी पॉइंट्स आपको बोल दूँ आपको यकीन नहीं आएगा। तो मुझे कुछ आता जाता नहीं है, आपको यकीन हो या ना हो, मैंने दौड़ा है मैं जानता हूँ। तो आज मैं आया हूँ हमारे इधर के एक लोकल नदी के किनारे। नदी के किनारे इसलिए आए हैं कि ग्रुप डी में हमको 35 किलो का बोरी उठाना है। तो वही बोरी हम बनाने के लिए आज आए हैं, हमको प्रैक्टिस करना है। और जैसे कि आपको मालूम है ग्रुप डी का जो कट ऑफ है वो आ गया है, प्रिलिमिनरी का रिजल्ट। तो जिन जिन का भी हो रखा है वो अभी से प्रैक्टिस चालू कर दें, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, जनवरी के बीच में सेकेंड वीक में ही शायद फिजिकल टेस्ट चालू हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत कम वक्त मिलेगा, इसलिए हम आ गए हैं। बस्ता लाए हैं, तो हम ये बस्ता लाए हैं, इसमें हम रेत भरेंगे। तो एकदम एग्जैक्टली 35 किलो तो हम यहाँ पे मेजर नहीं कर पाएंगे, पर अंदाजे से ले लेंगे। जितना भी हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस बड़ी बात है। 35 किलो ही करना है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेट मशीन तो है नहीं। अभी रेत उठाएंगे, रेत उठा के इसमें भरेंगे, आपको उठा के दिखाएंगे। आप लोग भी अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे। तो आज हम प्रैक्टिस करने आए हैं इसलिए दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, मैं कोई सर वगैरह तो आपका है नहीं, आपकी जैसा ही कैंडिडेट हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप देखते रहिए। ये असली ग्रुप डी वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को अभी। 50 kg का सीमेंट का बस्ता है, इसमें भरेंगे। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो किस जोन पे अप्लाई किए थे और कट ऑफ कितना आया है वो ज़रूर मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे को कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है, पिछले बार भी कमेंट्स पढ़े थे मैंने। बहुत लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि वो ग्राउंड 350 मीटर का है एक राउंड। और जो जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने बहुत स्लो दौड़ा है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो अपना वीडियो करके देखे, क्योंकि वीडियो में थोड़ा स्लो ही लगता है। ऐसे में हमको लगता है कि हम बहुत ज़ोर दौड़ रहे हैं, पर वीडियो में थोड़ा स्लो होता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि मेरे दौड़ने पर अगर यकीन ना हो, तो मैंने कुछ ही महीने पहले पुलिस के 2-2 रन क्लियर किए थे। एक 800 मीटर था और एक 1600 मीटर था, तो दोनों ही क्लियर किया था। और 1600 मीटर वाला मैंने 6 मिनट लगाए थे। किसी ने बोला था कि अगर 1600 मीटर 6 मिनट लगता है तुमको, 1 किलोमीटर 3 मिनट में कैसे हो सकता है। तो मैं उन्हें यही बात बताना चाहूँगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा दूर दौड़ना है तो पहले से ही क्या आप बहुत ज़ोर से दौड़ते हैं, आप धीरे धीरे से दौड़ते हैं। अगर आपको बोला जाए आपको 500 मीटर दौड़ना है, 800 मीटर दौड़ना है, आप ज़ोर से दौड़ लोगे। अगर आपको बोले 1600 मीटर दौड़ना है, आप धीरे ही दौड़ोगे। यकीन नहीं होता तो वो पुलिस वाला वीडियो प्लेलिस्ट किया हुआ है मेरे चैनल में, कमेंट्स में भी लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं। अगर यकीन नहीं आता है तो रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ग्रुप डी के रनिंग के लिए जाऊंगा, प्रैक्टिस भी किया हुआ है, तो आप भी कर लीजिए। तो अभी भर लिया है। तो दोस्तों मैंने रेत भर लिया है, आप देख सकते हैं कितना किलो होगा, पता नहीं है, 35 किलो शायद हो जाएगा, क्योंकि ये बस्ता तो 50 किलो का है, सीमेंट का बस्ता है। हाँ, और हाफ से ज़्यादा भर लिया है। और ये जो रेत है ये भीगा हुआ है, तो थोड़ा वेट ज़्यादा है। ऐसे जो सूखा रेत होता है उससे थोड़ा ज़्यादा वेट वाला रेत है ये, तो हो जाएगा शायद, या फिर 30 किलो हो ही जाएगा। तो इसी से प्रैक्टिस कर लेंगे आज हम। हाँ, जो ध्यान रखने वाली बात एक बता दें आपको, जो भी उठा रहे हैं, जो भी नए हैं, जो वेट ज़्यादा लिफ्ट नहीं करते, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। एक बात ध्यान रखें, जब आप उठाएं तो आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी रखें, ऐसे बेंड मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आप जवान हैं, आपको शायद कुछ नहीं होगा, पर यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इंजरी आ जाए ना तो बाद में बहुत बड़ा बन सकता है वो, स्लिप डिस्क हो सकता है, बहुत और भी प्रॉब्लम आ सकता है। कोई अगर नर्व वो अगर दब गया तो प्रॉब्लम आ सकता है, दर्द होगा बहुत आपको। इसलिए जब भी उठाए, जैसे भी उठाए, आप हाथ से उठाए चाहे यहाँ पे प्रेशर लगा के उठाए, तो ये सीधी रखे, ज़्यादा मोड़िए मत, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मेरा दोस्त अभी ट्राई करेगा इसको उठाने का और थोड़ा दूर लेके जाएगा वहाँ पर, वो ज़्यादा नहीं होगा, 30 मीटर होगा, 20 मीटर 30 मीटर होगा। चलो भाई, हाँ कंधे पे। तो उठा लिया,
ओह हाँ रख दो भाई धीरे से। हाँ कैसा लगा उठाने के बाद? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? मेन फैक्टर है उठाना, उठाना ही मेन प्रॉब्लम है। हाँ। वो उठा लेगा तो 100 मीटर आराम से 2 मिनट में आराम से लेके जा। तो एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। मुझे जो लगता है कि वहाँ पे अगर टेबल पे देगा तो ज़्यादा आसानी होगी उठाने में, अगर नीचे ऐसे उठाना पड़े तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर हम यहाँ नीचे से ही प्रैक्टिस करके रख देते हैं ताकि अगर टेबल पे दे या फिर नीचे से उठाने दे, जो भी दे, हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए हम प्रैक्टिस नीचे से ही कर रहे हैं। और यहाँ पे ज़मीन थोड़ा उबड़ खाबड़ है तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारे। तो एक बार हम उठा लेते हैं। कितना होगा वेट आप क्या लगता है? 30 kg के आप होगा। राइट वाले शोल्डर पे ले, नीचे से पकड़ के। जी एक बार उठा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 2 मिनट मिलेगा ना? हाँ 2 मिनट मिलेगा, 100 मीटर 2 मिनट में। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एक बार उठा लिया तो आराम से हो जाए। तुम यहीं पे रखो, मैं घूम के आता हूँ। हाँ उठा दो। ठीक ही है, इससे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, हम भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आपके जोन में कितना कट ऑफ आया, किस जोन पे अप्लाई किए थे, कमेंट्स में बताइए। वीडियो कैसा लगा, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।